सुपीरियर ओएस एंड्रॉयड 14 का जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है रेडमी नोट 11 डिवाइस के लिए। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इस रॉम का जो फुल रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ढेर सारी कस्टमाइजेशन फीचर्स को यहाँ पर ऐड किया गया है, नया वाला जो यूजर इंटरफेस भी देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो ये जो रॉम है दोस्तों एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। सुपीरियर ओएस का जो है ऑफिशियल बिल्ड है एंड्रॉयड 14 के साथ। लेटेस्ट 5th जनवरी 2024 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा 4.14 कर्नेल के साथ। प्लस ए जो बिल्ड है दोस्तों इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, यानी यहाँ पर हमने जीएप्स बिल्ड को इंस्टॉल किया है। बाय डिफॉल्ट जो है इस रॉम के साथ प्ले स्टोर अवेलेबल है, आपको अलग से जो है जीएप्स को फ्लैश नहीं करना होगा इस रॉम के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन के साथ। तो यहाँ पर थीम आइकॉन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया है। क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी यहाँ पर डेटा यूजेस का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो क्विक सेटिंग्स पैनल को भी कस्टमाइज कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस का आइकॉन है, प्लस यहाँ पर जो है ब्राइटनेस स्लाइडर को ऐड किया गया है। यहाँ पर पावर मेनू की अगर बात करें, कुछ इस तरह से पावर मेनू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। रिकवरी बूटलोडर एंड सिस्टम यूआई को भी रिबूट कर सकते हो। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, यहाँ पर इस रॉम के साथ कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का ऑप्शन है, क्यूआर कोड फ्लैशलाइट का ऑप्शन है, इवन लॉक स्क्रीन के साथ जो क्लॉक स्टाइल है इसे भी कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर डिफरेंट क्लॉक स्टाइल को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे, ये जो फीचर से यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर जो शॉर्टकट है उसे कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर नाउ प्लेइंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। वेक अप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से यहाँ पर ऐड किया गया है। ऐप ड्रॉयर की अगर बात करें, कुछ इस तरह से ऐप ड्रॉयर के साथ ये सभी ऑप्शन है। यहाँ पर गैलरी का जो एप्लीकेशन है ऐड किया गया है। डेडिकेटेड जो है गेमिंग मोड भी अवेलेबल है। यहाँ पर FM रेडियो का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। सिंपली यहाँ पर हेडफोन को कनेक्ट करके जो आप FM रेडियो को यूज कर सकते हो इस रॉम के साथ। प्लस यहाँ पर जो है एपर्चर कैमरा एप्लीकेशन भी बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस में स्विच कर सकते हो, मेन लेंस में स्विच कर सकते हो। फोटो वीडियो एंड क्यूआर कोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। फुल HD 30 FPS का ऑप्शन है। यहाँ पर ग्रिड टाइप का ऑप्शन है। सेटिंग्स के ऊपर जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस, जो कैमरा साउंड उसे डिसेबल करने का ऑप्शन है। वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। सेव सेल्फी एज प्रीव्यू का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। कैमरा टू API के साथ जो है Level 3 का सपोर्ट है। गूगल कैमरा काम कर जाएगा, GCam यहाँ पर काम कर जाएगा। रिसेंटली हमने GCam 9.2 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है। GCam का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। ओवरऑल जो UI है काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी स्मूथ UI देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है। इवन रैम मैनेजमेंट के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, बेटर रैम मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के साथ। इम्प्रूव रैम मैनेजमेंट है। बाकी यहाँ पर UI जो है काफ़ी बढ़िया है। जो सेटिंग्स में है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। सेटिंग्स में के ऊपर आइकॉन के साथ चेंजेस है। रीडिजाइन यूजर इंटरफेस जो है देखने को मिल गया है सेटिंग्स मेनू के साथ। ओवरऑल UI जो है काफ़ी स्मूथ है, स्टेबल एंड्रॉयड 14 का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर कोई भी लैग, कोई भी हैंग का इशू नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर ऐप ड्रॉयड हो जाए, सेटिंग्स मेनू हो जाए, स्क्रॉलिंग एनिमेशन जो है काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाएगा। रेडमी नोट 11 डिवाइस के साथ जो है काफ़ी बढ़िया UI देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने इस रॉम के साथ जो है कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है यहाँ पर रन किया था। यहाँ पर 3DMark के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 448 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर। 3DMark का जो स्कोर है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल गया है। यहाँ पर Geekbench 5.5.1 के साथ, सिंगल कोर के साथ 384, मल्टी कोर के साथ जो है 21, यहाँ पर 1231 का जो स्कोर है देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर Geekbench 6.2.2 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 408, मल्टी कोर के साथ जो है 1355 का स्कोर है। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स, विदाउट रूट सेपरेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम कर जाएगा इस रॉम के साथ। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल जो आपको यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है परफॉर्मेंस के साथ आपको बैटरी बैकअप के साथ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है।
देख सकते हो पर ढेर सारी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से बैटरी के साथ जो यूआई देखने को मिलेगा, यहाँ पर बैटरी टेम्परेचर, बैटरी सर्कल एंड बैटरी कैपेसिटी का ऑप्शन है। यहाँ पर चार्जिंग कंट्रोल का जो फीचर से ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक शेड्यूल का ऑप्शन है, कस्टम शेड्यूल का ऑप्शन है, इस टाइम से चार्जिंग स्टार्ट होगा, इस टाइम तक फुल हो जाएगा, इस ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर लिमिट चार्जिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, बेसिकली 80% होने के बाद आपका जो डिवाइस है चार्ज नहीं होगा, तो ये जो फीचर से काफी यूजफुल है। एंड हम बात कर रहे थे पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है सच में काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लगभग 6 आवर से 7 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा रेडमी नोट 11 डिवाइस के साथ। एंड बैटरी ड्रेन भी काफी कम है, लगभग 3% से 4% के आसपास जो है ओवरनाइट बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप बढ़िया है, कोई भी इशू को हमने नोटिस यहाँ पर नहीं किया है। नेक्स्ट यूआई भी काफी अच्छे से रिस्पॉन्सिव है, काफी फास्ट यूआई देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है सिस्टम के साथ जो है यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऐप लैंग्वेज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, हमने यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड किया है। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर जो है पर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट डिवाइस जो है पर अनलॉक हो जाएगा, रैपिड एनिमेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है यहाँ पर वाइब्रेशन, हैप्टिक, लाइव कैप्शन, फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। ये जो फीचर्स से काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है, सिंपली जब भी आपके डिवाइस के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा इस तरह से कैमरा फ्लैश जो है पर ब्लिंक करेगा। एंड यहाँ पर ऑडियो एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ जो नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सिम वन एंड सिम टू के लिए अलग अलग रिंग टोन को सेट कर सकते हो, लाइव कैप्शन का जो फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है, नाउ ब्लिंक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा रेडमी नोट 11 डिवाइस के साथ, एंड वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर स्क्रीन लॉकिंग साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड को जो है आप डिसेबल कर सकते हो, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है, प्लस एमआई साउंड एनहाइजर का ऑप्शन है, अलग अलग हेडफोन टाइप को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, अलग अलग प्रीसेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, प्लस हाईफाई ऑडियो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, स्पीकर में जो भी डस्ट आएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है क्लीन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। नोटिफिकेशन के साथ जो है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, फ्लैश नोटिफिकेशन, एनहांस नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन डॉट ऑन, ऐप आइकॉन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है वॉलपेपर एंड स्टाइल के साथ जो है ये सभी ऑप्शंस देखने को मिलता है। डिस्प्ले के साथ जो है पर मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है, एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डार्क मोड के साथ जो है पर पिच ब्लैक थीम का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है, नाइट लाइट का ऑप्शन है, स्मूथ डिस्प्ले का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर जो है डीसी डिमिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है जो कि काफी यूजफुल है, प्लस यहाँ पर हाई ब्राइटनेस मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, आउटडोर में जाके जो है आपको डायरेक्ट साइलेंट में ज्यादा विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगा हाई ब्राइटनेस मोड के साथ, ये जो फीचर से काफी यूजफुल है। बाकी यहाँ पर ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के ऊपर ऐड किया गया है, यहाँ पर थीम के साथ जो है मोनेंट सेटिंग्स का ऑप्शन है, फॉन्ट को आप एडजस्ट कर सकते हो, आइकॉन पैक, सिग्नल आइकॉन स्टाइल, डेटा आइकॉन, वाईफाई आइकॉन, वॉल्यूम पैनल को भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो, नेविगेशन बार को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। सरस भर के साथ भी यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन है, जैसे कि सरस भर आइटम्स को कस्टमाइज कर सकते हो, बैटरी स्टाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, बैटरी बार, 4G आइकॉन, डेटा डिजिबल आइकॉन, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, माइक, कैमरा, लोकेशन, प्राइवेसी इंडिकेटर, एंड यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। क्विक सेटिंग्स के साथ जो है डेटा यूजर्स का ऑप्शन है, क्विक सेटिंग्स के साथ जो है डुअल टोन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है, इवन जो ऑपोसिट है इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ब्लर को भी आप एनेबल कर पाओगे। एंड यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है ब्राइटनेस स्लाइडर के साथ, ब्राइटनेस के साथ जो है परसेंटेज को भी आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो, क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर लेआउट को एडजस्ट कर सकते हो, एनिमेशन स्टाइल का जो ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ भी परसेंटेज को ऐड किया गया है, वॉल्यूम बटन के साथ जो डिवाइस को विकअप कर सकते हो, कॉल को आंसर कर पाओगे, गानों को स्किप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है, नेविगेशन मोड का ऑप्शन है, गेस्चर्स के ऊपर जो है ब्राइटनेस कंट्रोल, डबल टैप टू चेक फोन का ऑप्शन है, क्विकली ओपन कैमरा, वन हैंडेड मोड, क्विक टॉर्च, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। लॉक स्क्रीन, चार्जिंग इन्फो, रैपिड एनिमेशन, वेकअप ऑन चार्ज का ऑप्शन है,
डायनेमिक क्लॉक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली जो सुपीरियर ओएस का जो बिल्ड है रेडमी नोट 11 डिवाइस को बट जरूर से ट्राई करके देखना। ढेर सारी कस्टमाइजेशन फीचर्स को ऐड किया गया है। सेटिंग्स मेनू के साथ नया वाला जो यूजर इंटरफेस है आपको कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना, एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।